क्लिक करेंगे जो साइट पे जो बार है वहां पर क्लिक करेंगे ठीक है उसके बाद जी हम थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर ऐड एंड अदर अकाउंट पर क्लिक कर देंगे जी हमने ऐड एंड अदर अकाउंट पर क्लिक किया यहाँ पर हम गूगल पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जी यहाँ पर चेकिंग इन्फो पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद जी ये कहेगा कि साइन इन विद योर गूगल अकाउंट तो हमने साइन इन नहीं करना बल्कि हमने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है तो जी यहाँ पर हमने कर दिया क्रिएट अकाउंट पर क्लिक और यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं कि फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस तो हम करेंगे जी फॉर माई सेल्फ उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट नेम आपका जो भी नेम है आप यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर दे, दे देंगे लास्ट नेम और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद जी यहाँ पर आपको देना है अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो यहाँ पर जी हम दे देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे ठीक है अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ देना बहुत ज़रूरी है अगर आप तेरह साल से या अठारह साल से छोटे बच्चे हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अपने फैमिली मेम्बर की डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं उसके बाद जी हम यहाँ पर क्रिएट योर ओन जी मेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक अच्छा सा जी मेल एड्रेस जो है वो एंटर कर देंगे ठीक है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपनी मर्जी का सेटअप कर देती हूँ और उसके बाद ये नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद ये क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ठीक है तो हमें यहाँ पर बना लेना है पासवर्ड तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड लगा लेते हैं ये हमने यहाँ पर पासवर्ड अपना लिख लिया है लिखने के बाद जी हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा उसके बाद जी यस आई एम इन पर हम क्लिक कर देंगे वो हमें कह रहे हैं कि रिव्यू योर अकाउंट इन्फो यू कैन यूज दिस ई मेल एड्रेस टू साइन इन इन लेटर ठीक है in in तो जी हमारा ईमेल एड्रेस रेडी हो गया इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं उसके बाद जी चूज पर्सनलाइजेशन सेटिंग के लिए हम फर्स्ट एप पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे उसके बाद प्राइवेसी एंड टर्म पर हम क्लिक करेंगे आई एग्री पर ठीक है उसके बाद ये जैसे ही लोडिंग स्टार्ट होगी तो हमारा चैनल बनकर रेडी हो जाएगा तो आपने हमारे साथ बने रहना है आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी बताऊंगी तो ये हमारा जो जी अकाउंट है वो बनकर रेडी हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद जी हमने आ जाना है वापिस से अपनी यूट्यूब की टैब पर ठीक है यूट्यूब टैब पर आने के बाद जी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे ठीक है जो हमने अकाउंट बनाया था वो अकाउंट हमने यहाँ पर लॉग कर लेना है ठीक है सबसे नीचे स्क्रॉल तो डाउन करेंगे सबसे नीचे हमें हमारा अकाउंट शो हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया उसके बाद हमें आ जाना है लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में आने के बाद हमें क्लिक करना है अपने चैनल के लोगों पर लोगो पर क्लिक करने के बाद पर योर चैनल पर क्लिक कर देना है जैसे ही हम योर चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम चैनल का नेम चेंज कर, कर सकते हैं और हैंडल चेंज कर सकते हैं हम थोड़ा सा नेम को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपनी मर्जी का नेम जो भी आपने नेम सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जी यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव और उसके बाद हमने नेम अपना चैनल का हैंडल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो चैनल का हैंडल के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कोई नंबर डाल देना है कोई इस तरह का नंबर हो कि जो अवेलेबल हो और उसको हमने सेव पर क्लिक कर देना है ठीक है तो जी हमारा चैनल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है हम यहाँ से क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देंगे ठीक है सबसे फर्स्ट सेटिंग जो है वो हमने कर दी ठीक है उसके बाद जी हमारा चैनल बन के रेडी हो गया है और हमारा चैनल हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नो सब्सक्राइबर नो वीडियोज है और यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा ठीक है तो जी हमारा जो मेन स्टेप है वहां पर हमने आना है तो यहां से हम जी मिनिमाइज कर देंगे और हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे यूट्यूब स्टूडियो ठीक है और इसको क्लिक कर देना उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पर आते ही यहां पर आपने जो आपका लोगो है वहां पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद स्विच अकाउंट पर क्लिक करना है स्विच अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल को सिलेक्ट कर लेना है ठीक हो गया तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा ठीक हो गया उसके बाद जी यहाँ पर वो कह रहा है कि वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो ठीक है तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो बता रहा है अपने बारे में कि यहाँ पर क्या क्या आएगा आपने सबसे पहले जो मेन सेटिंग है जो नंबर टू की सेटिंग है वहां पर आपने सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगी यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है उसके बाद जी हम यहाँ पर जनरल पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप यू एस डी यूएस डॉलर ठीक है आपको अपनी कंट्री के हिसाब से अपना जो आपका जो भी करेंसी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है मैं यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेती हूँ ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर चैनल पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर जी आपका अपनी कंट्री जो है ना कंट्री ऑफ रेजिडेंस वो सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं ये नहीं कि आप कहाँ पर पैदा हुए हैं बल्कि आप कहाँ पर रह रहे हैं आपको वो सिलेक्ट करना है ठीक है तो आप अपनी मर्जी से आप अप, मैं आपको रेकमेंड करूँगी इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप वही कंट्री सेलेक्ट करें उसके बाद ये आपका चैनल किस चीज़ के रिलेटेड है तो तो जी यहाँ पर आपको अपने चैनल के रिलेटेड की जो है ना वो ऐड करने हैं ठीक है तो जी मेरा चैनल ब्लॉगिंग के रिलेटेड है इसलिए मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड कुछ चार पांच की जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर ठीक है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि जी जो आपके चैनल की कैटेगरी है आपको वो अपने चैनल के कीवर्ड्स में ज़रूर एंटर करनी है उसके अलावा जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं आप उनका नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं ठीक है तो ये थी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग जो मैंने आपको बता दी है उसके अलावा आप आ जाएंगे एडवांस सेटिंग में उसके बाद जो आपने डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल एज़ मेड फॉर किड्स तो आपने कहना है नो no. उसके बाद यहाँ पर हमें और कुछ भी नहीं करना फीचर एलिजिबिलिटी पर आ जाना है ठीक है उसके बाद जी यहाँ पर इसको ओपन करने से पहले हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे क्योंकि सेव पर क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जाना है अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर लें तो जब हम वापस आएंगे तो ये सब कुछ बैग जा चुका होगा मे भी कई दफ़ा गलती से इस तरह हो जाता है तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप जो भी सेटिंग करें उसको सबसे पहले सेव करें और दोबारा से फिर ऑन करें यहाँ पर हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से चैनल पर क्लिक करेंगे उसके बाद जी फीचर एलिजिबिलिटी पर आएंगे और यहाँ से हम वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करेंगे उसके बाद जी सिलेक्ट योर कंट्री ठीक है तो यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है उसके बाद जी हमने डालना है यहाँ पर अपना फोन नंबर ठीक है तो फोन नंबर डालने के लिए सबसे पहले हम अपनी कंट्री का कोड लिखेंगे उसके बाद जी अपनी कंट्री अपना जो फोन नंबर है वो ऐड कर देंगे ठीक है तो फोन नंबर आपने ऐड करना है अपना यहाँ पर और यहाँ पर इम्पोर्टेंट उन्होंने जो स्टेप दिया है वो ये है कि अब टू टू चैनल्स कैन बी वेरीफाइड पर फोन नंबर के मतलब एक साल में दो चैनल्स जो हैं वो एक टाइम में आप वेरीफाई कर सकते हो मतलब दो चैनल्स पर आप एक नंबर लगा सकते हो सिंपली उसके बाद जी मेरे फोन नंबर पर ये पहले हुआ है मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बना रही हूँ बाद में मैं इसको अगर ये नहीं हुआ तो मैं चेंज भी कर लूँगी ठीक है तो आपको मैं सिर्फ तरीका समझा रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसको करना है ठीक है तो यहाँ पर जी हम डाल लेते हैं अपना फोन नंबर उसके बाद जी हम यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक कर देंगे जैसे हम गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो कह रहे हैं तो जी मैं यहाँ पर ये यह नहीं कर सकती मेरे पास एक ही नंबर है नेक्स्ट दूसरा नंबर लेकर आऊंगी तो फिर इसके साथ मैं इसको वेरीफाई कर लूंगी लेकिन आपने यहाँ जैसे गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा ठीक हो गया उसके बाद जी वापस से आ जाते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा और ये फ़ीचर्स इनेबल हो जाएंगे उसके बाद जी नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर है एडवांस फीचर्स ठीक है तो जी इंटरमीडिएट फीचर्स इनेबल्ड तो यहाँ पर आपने जैसे आपको ऊपर वाले फ़ीचर्स होंगे तो आपने नीचे वाले फ़ीचर्स में एक्सेस फीचर्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप अपनी वीडियो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और अपनी चैनल हिस्ट्री भी ऑन कर सकते हैं वैलिड आईडी भी दे सकते हैं मतलब पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इसके अलावा आप अपना आईडी कार्ड वगैरह भी यहां पर दे सकते हैं तो जी वीडियो वेरिफिकेशन में आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी लिखा हुआ है आपको उस तरीके से वीडियो वेरिफिकेशन पर सबसे पहले क्लिक करना है सेव पर क्लिक कर देना उसके बाद आपने अपने, अपने जी अकाउंट पर जाना है वहां पर आपको एक ईमेल आई होगी वहां से आपको अपना जैसे ही कैमरा ओपन होगा आपका फेस आपके आ, कैमरे में नजर आएगा जो ऊपर लाइन लिखी होगी अगर वो कहेंगे कि इस साइड पर देखें तो आपने उस साइड पर देखना अगर वो कहेंगे इस साइड पर देखें वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप एक रोबोट नहीं है आप एक इंसान है जो उनके इंस्ट्रक्शन पर चल रहे हैं उसके बाद यहाँ से पर क्लिक कर देना है ये जी, जी तीसरे जो हमारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट होगी उसके बाद जी हमने आना है यहाँ पर आपको जो लाइंस देखने को मिलती हैं थ्री लाइंस पर क्लिक करने के यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइजेशन का आपने इसको क्लिक कर देना है यहाँ पर जी हमने अपने चैनल को करना है कस्टमाइज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चैनल लेआउट की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप जो भी सेक्शन लगाना चाहे लगा सकते हैं उसके बाद ये ब्रांडिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें पिक्चर देनी है बैनर इमेज देनी है वीडियो वाटर मार्क देना है तो जी हमें पिक्चर कहाँ से बनानी है वापस आएंगे हम जाएंगे कैनवा पर आपको अपने प्ले स्टोर से कैनवा को डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे यूट्यूब लोगो और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो कि बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे हमने क्या करना है यहाँ से कोई भी टेम्पलेट जो कि पेड नहीं है बल्कि बिल्कुल फ्री है उसको हमने यहाँ से ले लेना है और वहां पर अपने चैनल का नाम ऐड करके थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके तो हमने उसको वहां पर लगा लेना है आप ऊपर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप किस तरह का लोगो बनाना चाहते हैं यहाँ पर मैं सर्च कर लेती हूँ कि व्लॉग तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया ठीक है तो हम हमने सिंपल सिंपल ये इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किस चैनल नहीं रखना हम यहाँ पर लिख देंगे अपने चैनल के रिलेटेड जो भी हमारे चैनल का नाम है वो लिख देंगे ठीक है और ये जी हमारे पास हमारे पसंद का लोगो बन गया है हम इसको कर लेंगे सेव यहाँ से जी हमारा लोगो हो रहा है सेव जैसे ये सेव होता है उसके बाद हमने आना है वापस अपने स्टूडियो पर और स्टूडियो पर आने के बाद यहाँ पर हमें लोगो अपना जो है ना वो एंटर कर लेना है या यहाँ से हम अपलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें पी एन जी भी डाल सकते हैं जे पी जी भी डाल सकते हैं तो जी यहाँ से हमने कर लिया है सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जी ये इस तरीके से हमारा लोगो कुछ शो होगा उसके बाद जी हमें बनाना है बैनर इमेज तो बैनर इमेज बनाने के लिए हमें टू ज़ीरो फोर एट इंटू वन वन फाइव सेवन पिक्जल्स में जो है ना और सिक्स एम बी या उससे कम में रेशो चाहिए होगी ठीक है तो जी हमने आ जाना है वापस वापस आने के बाद होम पर हमने आना है और बाद में सर्च बार पर हमें सर्च कर लेना है यूट्यूब बैनर हमारे सामने बने बनाए इसी तरह के टेम्पलेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे जैसे ही हमारे पास इस तरह के टेम्पलेट्स ओपन होते हैं तो हम जी ब्लैंक पर क्लिक कर देंगे ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे ठीक है तो जी यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे व्लो तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर हमें जो भी पसंद आएगा हमने यहाँ से इसको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं अपने चैनल अपनी मर्जी से आप इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं तो ये देखें इसको हमने चेंज कर लिया और यहाँ से इसको थोड़ा जूम करके ये चीज भी हम डिलीट कर देते हैं उसके बाद जी ये जी हमारे कवर है वो इस तरह का देखने में लग रहा है उसके बाद हम इसको कर लेंगे सेव और जैसे ही हमारी इमेज सेव होगी हम यहाँ पर दोबारा से अपने यूट्यूब स्टूडियो पर आएंगे और इसको वहां हम कर देंगे अपलोड उसके बाद वापस आते हैं अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमने सेलेक्ट किया था उसको हम डन कर देंगे ठीक है तो जी ये हो गया है डन उसके बाद ये हमें वोटर मार्क डालना है तो वोटर मार्क अलग से भी बना सकते हैं मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपने चैनल का लोगो ही यहाँ पर डालें इसको डन कर देंगे इंटायर वीडियो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये बेसिक इन्फो पर आएंगे यहाँ पर जो हमारे चैनल का नाम है इमर डायरीज जो कि 14 डेज में हम टू टाइम्स चेंज कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा जो हमारे चैनल का हैंडल है जो 14 डेज में हम सिर्फ दो दफा चेंज कर सकते हैं उसके बाद ये हमें डाले अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन और उसके बाद यहाँ पे जी इम्पोर्टेंट क्या है आपके कंट्री में चैट जीपीटी अवेलेबल होगा ठीक है आपने जाना है चैट जीपीटी पर वहां पर टाइप करना है राइट आ एस यो फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन फॉर माई चैनल और आगे अपने चैनल का नाम लिख देना है और वो आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन जो है ना वो लिख कर दे देगा उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे कर देना है पेस्ट और आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो रेडी हो जाएगी उसके बाद ये आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है या कोई लिंक वगैरह ऐड कर देने हैं ठीक है थीका? तो मैं यहाँ पर जी लिंक ऐड कर देती हूँ सबसे पहले जी हम डालेंगे इंस्टाग्राम का लिंक उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे लिंक तो हम जाएँगे वापस से अपने इंस्टा पर ठीक है तो इंस्टा पर जाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने अकाउंट पर अकाउंट पर आकर हम जी शेयर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद जी शेयर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हम कॉपी लिंक पर क्लिक कर देंगे जैसे हमारा लिंक कॉपी होगा तो जी हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर अपने लिंक को पेस्ट कर देंगे ठीक हो गया उसके बाद जी हम ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे यहां पर हम डालेंगे अपने टिकटॉक का लिंक तो यहां पर हम टिकटॉक लिखेंगे टिकटॉक लिखने के बाद यहाँ पर हम यू ऐड करेंगे वापस से आएंगे और अपने टिकटॉक पर जाएंगे यहाँ से हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल पर प्रोफाइल पर जाने के बाद शेयर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ से लिंक को करेंगे कॉपी और वापस से जाएंगे और यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देंगे ठीक हो गया यहाँ पर हमारे दोनों लिंक जो हैं वो आ गए हैं उसके बाद मैक्सिमम हम फाइव लिंक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम पब्लिश पर क्लिक कर देंगे जैसे ही ये पब्लिश होगा तो ये पब्लिश हो गया उसके बाद ये हम चैनल को ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ कैसे शो हो रहा है ठीक है तो जी कुछ इस तरीके से हमारा चैनल शो हो रहा है यहाँ पर हम दोबारा से इसको ज़रा दोबारा से ओपन करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हमारा चैनल किस तरह का लग रहा है तो यहाँ पर चैनल पर क्लिक करेंगे तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोगो है और अगर हम इसको एडिट करें यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन में सिर्फ उतना ही लिखा है इंस्टाग्राम का लिंक और यहाँ पर टिकटॉक का लिंक और यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है ठीक है तो जी यहाँ पर ये यह देखें हमारा यहाँ पर जो बैनर है वो भी शो हो रहा है उसके बाद ये अबाउट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें सेम वैसे ही सब कुछ शो हो रहा है तो गैस ये था हमारा चैनल बनाने का तरीका उसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर आप अपने लेआउट्स में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आप फीचर सेक्शन क्या रखना चाहते हैं शॉर्ट्स या लॉन्ग आपको यहाँ से सेक्शन वगैरह ऐड कर देना है ठीक है आप अपनी मर्जी के प्ले वगैरह लगाना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लगाना चाहते हैं आप सब कुछ लगा सकते हैं उसके बाद ये आपको म्यूज़िक कहाँ से यूज़ करना है म्यूज़िक आप अपनी लाइब्रेरी में से ही यूज़ करें तो अच्छा है उसके बाद ये आ जाते हैं डैशबोर्ड पर डैशबोर्ड पर आने के बाद आप देख सकते हैं सब कुछ जीरो जीरो शो हो रहा है उसके बाद जी मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ सेटिंग्स पर और यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर हमने चैनल तक सॉल्व किया था उसके बाद जी अपलोड डिफॉल्ट है यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम ऐड कर लेना है ठीक है ठीक है उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है यहाँ पर हमेशा ये बोनस पॉइंट है हमेशा अपनी विजिबिलिटी अनलिस्टेड ही रखें ठीक है फॉरन कभी भी अपनी वीडियो को पब्लिक ना करें उसके बाद ये एडवांस सेटिंग में आए तो यहाँ पर हमें करनी है कैटेगरी सेलेक्ट ठीक है कैटेगरी हमने अपने चैनल की सेलेक्ट कर लेनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपका चैनल ऑटो और व्हीकल्स पर है मतलब कार्स वगैरह पर है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कॉमेडी एजुकेशन वगैरह सब कुछ आ जाता है हाउ टू एंड स्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर उसके अलावा आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स है पीपल एंड ब्लॉग्स हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे पीपल एंड ब्लॉग्स पे क्योंकि हमारा व्लॉगिंग के रिलेटेड चैनल है उसके बाद जी यहाँ पर हमें नॉन रहने देना है वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है ठीक है तो वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा हमारे पास होता है कि जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके जिस रीजन में आपका जो है वो चैनल आपका जिस लैंग्वेज में होता है आपके उसी रीजन में जाके वो यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करता है ठीक है तो यहाँ से हम अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी जो भी आपकी लैंग्वेज है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे पंजाबी है उर्दू है हिंदी है तो मैं यहाँ से सिंपली जो है ना उर्दू सेलेक्ट कर लूँगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर अलाउ ऑल कमेंट्स पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद जिस शो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो ठीक है उसके बाद जी परमिशन पर आ जाएंगे सब कुछ ऐसे आपको शो होगा कम्युनिटी पे आ जाएंगे सिंपल आपको सब कुछ ऐसे शो होगा कुछ भी नहीं आपने कहना एग्रीमेंट पे आएंगे कुछ भी नहीं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है तो ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं उसके अलावा अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को की वीडियोज़ को अपलोड कैसे करना है उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपको ये वीडियो ये चैनल कितने दिन में वायरल हुआ है उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी तो जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ये एक मेरा ही चैनल है और इस पर मैं व्लॉगिंग की वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ तो गाइज हमारे साथ बने रहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इनकम एंड स्क्वायर को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें तो आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो